हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11 से रिलेटेड हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आपके पेपर में ग्रामेटिकल सेक्शन से 8 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामेटिकल सेक्शन में आप लोगों का जैसे आता है क्या संपादक, पत्र लेखन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो इससे रिलेटेड जैसे आप हिंदी में आ जाएंगे, हिंदी व्याकरण में तो आता है औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, संपादक, प्रतिवेदन, फीचर लेखन, इस सब के बारे में आपके पेपर में पूरा का पूरा 8 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें सिर्फ हिंदी इलेक्टिव का है, और ये भी ना सोचें कि ये हिंदी कोर का है, दोनों का दोनों पेपर आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन जो है व्याकरण सेक्शन हूबहू आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे ही छपने वाले हैं। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से व्याकरण से रिलेटेड, ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, तो एक बार आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे प्यारे, मैं आज आपको जो बताने वाला हूं फुल 100 मार्क्स का जो होगी आप लोगों का फाइनल एग्जाम, इसके रिगार्डिंग व्याकरण सेक्शन से मैं टॉप ऑफ द 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया। एक ही क्वेश्चन का आपको ध्यान से देखना है, और फाइनल एग्जाम में भी आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी। जैसे ये क्वेश्चन जो है जैकबोर्ड में 2019 के पेपर में छपा हुआ प्रश्न है। मैं थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए आप लोग फॉर्मल लेटर देखिए पढ़े होंगे ना, फॉर्मल लेटर, और एक पढ़े आप लोग इंग्लिश में बता रहा हूं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर पढ़े होंगे ना। तो देखिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, फॉर्मल लेटर उसे लिखे जाते हैं जहाँ पे जैसे स्कूल हो गया है, या हम लोग बोल सकते हैं ऑफिस हो गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिलेशन में लिखते हैं, चाहे हम अपने महबूबा को लिखें, चाहे हम अपने मदर को लिखें, फादर को लिखें, छोटे भाई को लिखें, बड़े भाई को लिखें, सिस्टर को लिखें, किसी को भी लिखें, इनफॉर्मल लेटर होती है। लेकिन मैं जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो अफॉर्मल लेटर का औपचारिक और इनफॉर्मल लेटर का अनौपचारिक, औपचारिक याद रखें ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं एक्चुअली स्कूल या कॉलेज में या किसी भी ऑफिस में। लेकिन मैं जब इसकी बात करूँ इनफॉर्मल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र, तो ये हम लोग लिखते हैं अपने महबूबा को, अपने मदर, फादर, सिस्टर, किसी को भी हो हम लोग लिखते हैं ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछेगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में, या ग्रामेटिकल सेक्शन पूछे व्याकरण से कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो आपको खुद बताना है कि औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो ऑफिस या किसी स्कूल में लिखे जाते हैं। या हम लोग बोलेंगे अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र अपना संबंधी को लिखे जाते हैं, संबंधी का मतलब होता है रिलेशनशिप को लिखे जाते हैं ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान देना है। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग याद रखिएगा, प्रयोग प्रचलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जब समाचार पत्र लिखते हैं, समाचार पत्र नहीं लिखते हैं, समाचार पत्र हम लोग जब स्टार्ट करते हैं लिखने के समय, उस समय हम लोग लिखते हैं क्या प्रिय बंधु, नहीं ये सब दोनों तो नहीं लिखते हैं, महानुभाव ही हम लोग आज तक नहीं सुने हुए, लेकिन महोदय हम लोग जरूर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि महोदय महाशय, जैसे हम लोग बोलते हैं महोदय महाशय, तो ये हम लोग लिख सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, पीटीआई, ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में और 2022 के पेपर में और 2021 के पेपर में तीन बार जैकबोर्ड के माध्यम से आवेदक पूछे गए हैं, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों ही पेपर में पूछा गया है कि पीटीआई क्या है, समाचार एजेंसी, गुप्त विभाग, पुलिस विभाग या साहित्य जांच। एक बार लिख ले मेरे प्यारे, आपके फाइनल एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% ठीक है। तो बताइए सर, एक समाचार एजेंसी है ठीक है, समाचार एजेंसी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से मैं बताऊं, अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्या करना है आर्ट्स में हम लोगों को सर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग 90% मार्क्स लाएं, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के, आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी ठीक है, क्लास 11 क्लास 12 का बहुत सारा कोर्सेस आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इस कोर्स को बाय करना है, इस कोर्स को आपको परचेस करना है। ये कोर्स का इतना सारा फैसिलिटी है मेरे प्यारे, इतना सारा फैसिलिटी है, जब इस कोर्स को बाय करेंगे, इस कोर्स के माध्यम से जब आप स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा कि हम यहाँ तैयारी कर चुके हैं, कितना तैयारी कर चुके हैं, और हम लोगों को कितना तैयारी करना अभी बाकी है। मैं इसलिए बोल रहा ना क्योंकि यहाँ पे 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी, जो गुप्त मिलेगा, ये हम लोग यूट्यूब में नहीं बता सकते, क्यों पता है, क्योंकि यहीं से फाइनल एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम गुप्त क्वेश्चन होंगे, सीक्रेट क्वेश्चन होगा, जो आप
को सिर्फ मिलेगी जो हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उनको मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर तो स्टडी कराया जा रहा है प्रतिदिन, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से आप लोगों को पता होगा डाउट क्लासेस होगी तो हमारे टीम अभी बैठे हुए हैं, वो आप लोगों का 24 घंटा डाउट क्लासेस को आपको सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों का बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग, जैसा मैं आपको बताया फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं तो बोलते हैं सर, हम लोग उसको बोलते हैं एक्सप्लेन, जो बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को अंडरस्टूड करता हूँ, ठीक है। इस कोर्स का आप लोग सोचेगा सर फी बहुत ज्यादा होगा, नहीं मेरे प्यारे, इसका फी ओनली 4749 है, याद रखेगा 749 रुपये का कोर्स आपको ओनली 249 रुपये में आप लोगों को अभी डिस्काउंट दिया गया है। आप लोग जाएं जल्दी से और इस कोर्स को जरूर बाय करें। आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं आपके लिए बेस्ट है, आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे ये आपके लिए यूनिक होगा, याद रखिएगा। जल्दी से इस कोर्स को बाय करें और यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन को स्टडी करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, ये समय जो है ना फिर चले जाएंगे ना आपके लाइफ से, फिर दोबारा फिर जीवन में आपको ये समय नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे 250 रुपये मेरे पास पैसा नहीं है, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके पास 500 रुपये पैसा होगी, लेकिन उस समय आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप में हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जनसंचार का प्रमुख माध्यम का कार्य होता है सूचना देना, माने कोई भी कोई घटना हुई, जनसंचार का मतलब एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं न्यूज, देखिए कहीं भी घटना रिपोर्ट होती है रिपोर्ट, ठीक है, प्रतिवेदन को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सूचना का मतलब होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे, जनसंचार का सूचना देना, कोई भी कोई चीज घटना घटी उसको हम लोग तुरंत सूचना देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जनसंचार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय है। पत्रकारिता, जैसे पत्र दो प्रकार के होते हैं, याद रखिए, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपको 2019 के पेपर में आपसे पूछे गए थे, ठीक है, और ऐसा ही आपका फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल्य भाव सक्रिय है, तो बताएंगे सर जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब उसको पता होना चाहिए, आलोचना भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पेपर में आएगी, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, सूचनाओं को यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आया आपके पास, इंफॉर्मेशन मतलब पता चल गया ना, इंफॉर्मेशन का संकलन कर संपादक, संपादक का मतलब होता है रिपोर्टर, याद रखिएगा रिपोर्टर, रिपोर्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। मतलब कोई भी ऐसा हम लोगों के पास सूचना आया, मेरे पास सूचना आया है और मैं इसको ना रिपोर्टर के पास जो रिपोर्ट करने, रिपोर्टर नहीं देखे आप लोग यूट्यूब में बहुत सारा देखे होंगे जो रिपोर्टर करके हर जगह जाते हैं, तो रिपोर्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो बताएंगे सर ये जिम्मेदारी पत्रकार को होता है, याद रखिएगा, किसको, जो पत्रकार जो पत्र लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, और एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगी और इसका नोटिस भी आपको, सॉरी नोटिस नहीं, नोट्स, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे ऑलरेडी। समाचार के इंट्रो या मुखड़ों का क्या आशय, इसको लिख के रख ले, लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 में आपको छपेगा, समाचार के इंट्रो या मुखड़े का क्या आशय है आपसे पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बताएंगे सर समाचार का आरंभिक अनुच्छेद, समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछे गए कि प्रतिवेदन, इसको हम लोग बोलते, याद रखेगा प्रतिवेदन को हम लोग एक तरह का रिपोर्टर, रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट या रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको मान लिया आप लोग, हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पूछा गया प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, मैंने अभी जस्ट बताया क्या होगी, रिपोर्ट, अभी जस्ट बताया रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2021 के पेपर में, 2019 के पेपर में छपा गया था, लेकिन 2024 के पेपर में 100% छपेगी, लिख कर रख लो मेरे प्यारे, 2024 के पेपर में 100% आपसे छपेगी। और ये मैं ग्रामेटिकल सेक्शन का चैप्टर 1 बता रहा हूँ, चैप्टर 1 का मतलब होता है पार्ट 1। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 मैं पार्ट 3 तक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो। आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं, आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर औपचारिक पत्र। क्या नहीं बताए, कार्यालय में जो लिखी जाती है उसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं, और हमारे रिलेशनशिप को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। यस या नो, अपने कॉपी पेन नोट डाउन करें, मेरे चेहरा को देखकर कुछ नहीं होने वाला मेरे प्यारे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बता रहा हूं, ठीक है, फिर ये समय को वेस्ट ना करें, फिर ये जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कि विचारों के आदान प्रदान कि इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। यानी अभी हम लोग जैसे बोलते हैं हेलो सर कैसे हैं आप, मोबाइल के थ्रू से। यस या नो, एक जमाना था, क्या
एक जमाना था उस समय मोबाइल भी नहीं था, ना इंटरनेट था, कुछ का सुविधा नहीं था। लेकिन अगर हम दिल्ली में रहते थे तो मुंबई के व्यक्ति को कैसे हम उससे बातचीत कर सकते थे उस समय? तो हम लोग जा तो नहीं सकते, जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा। अभी सोचिए ट्रेन से जा रहे तो 2 दिन लग जाएगा, साइकिल से जाते उस समय क्योंकि गाड़ी का भी व्यवस्था नहीं था, साइकिल से गाड़ी से अगर जाते तो कितना दिन लग जाता। तो उस समय बात करने की जो व्यवस्था थी ना, क्या इंटरनेट था उस समय, क्या टेलीफोन था, बिल्कुल नहीं था, क्या फैक्स था, नहीं था, पत्रचार के द्वारा जाता था, पत्र के द्वारा जाता था। और इसी पत्र जैसे मेरा पूछा हमारे बारे में पूछ रहा था कि मान लेते हैं कि सर आप कैसे हैं, आप अपने घर के आसपास कैसे, सबके एरिया सब सही है या नहीं, तब जाके हम इसका रिप्लाई देते थे 4-5 दिन के बाद, क्योंकि वो हमें पत्र लिखे हैं तो हम लोग रिप्लाई देंगे ना। तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, पत्र लिखते थे, फिर उसको पहुंच जाता था, लगभग 3-4 दिन लगता था, है ना। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है, पत्रचार का कौन सा प्रकार है? पारिवारिक, मैंने अभी जस्ट बताया पारिवारिक का मतलब अनौपचारिक पत्र, व्यवसायिक बिजनेस पत्र, या सी मैंने बताया था सरकारी पत्र जो औपचारिक होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12। क्लास अच्छा लग रहा है ना जी, एक बार अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक ठोके, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, है ना, वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आप लोग एक साथ अगर आगे बढ़ेंगे ना तो जब आपके फ्रेंड आपकी वजह से जब आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे ना और आप देखेंगे ना बड़ी मजा आएगा मेरे प्यारे। इसलिए ना एक ऐसा दोस्त बनाइए जो डॉक्टर के हैंड राइटिंग जिस तरह से एक मेडिकल वाला समझ जाते हैं ना, इस तरह से आपका प्रॉब्लम आपका फ्रेंड समझ जाए। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12। कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा व्यापारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या जगह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13 पे। आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवेदन पत्र को आधिकारिक पत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा आवेदन पत्र को हम लोग आधिकारिक पत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 14 पे। मंत्री प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी हो सकता है, राज्य का कोई भी मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग लिखते हैं कोई भी टिप्पणी लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पत्र लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को हम लोग मिनट बोलते हैं। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपेगा, लिख कर रख ले मेरे प्यारे, छपेगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि पत्र लेखन क्या है। ले आपसे पूछा गया है, बुझल पा रहे हो तोने हमारे बतवा कैसे तो नहीं का प्रश्न, नहीं तो ऐसा तो ना हो कि हम तोने का बताए और तोने हमारे बतवा बुझल नहीं पा रहे ही, ऐसा तो ना ही हो ना तोनी, तो नहीं तो मजा से पढ़ी बुझली, तो नहीं थोड़ा सा भी टेंशन आई ली है, अगर तुमने टेंशन लभी ना फिर तुम्हें ना ही पढ़ल पा भी सेट, अगर हम तोनी के बुझल पा रहे हो बुझाए, हम तोनी के बार बार बुझाए बाबू ने तुम्हें टेंशन आई ली है, जे टेंशन लिए करो तो ना हम लोगों का है बताओ, क्योंकि हमने के लाग दो ना, हमें के सोच हो के कि झारखंड के साथ साथ हमारा देश जो है ना बदलो, हमारा देश बदल सको। अरे ये बदलाव तभी हो सकती है जब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करना, वो भी कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, कहाँ पे सर, मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है पत्र लेखन का क्या काम है, तो बोलेंगे विद्या एक कला विचारों के विनिमय के माध्यम। अब विनिमय जो शब्द है ना ये इकोनॉमिक्स का है, याद रखिए इको का है, इकोनॉमिक्स याद रखिए इकोनॉमिक्स का शब्द है। अब विनिमय क्या, जब मैं इकोनॉमिक्स बताऊंगा तब आपको बताऊंगा विनिमय क्या होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपने सगे संबंधी, सगे मतलब अपना, क्या बोलेंगे सर, सगे का मतलब होता है अपना भाई, अपना बहन, अपना माता, अपना फुफेरा बहन, अपना चचेरा बहन, है ना। तो अपना सगे संबंधी या मित्रों या रिश्तेदारों आदि को लिखे गए जाने वाले पत्र को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, यस या नो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। औपचारिक पत्र मतलब समझ गया, किसको लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पत्र भेजने वाले का पता, क्या होता है, पत्र भेजने वाले का पता। और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपेगा, लिख ले रहे मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपेगा 100%, ठीक है। माता के नाम पत्र, अब हम अपने मम्मी को पत्र लिख रहे हैं, हम कहीं भी पढ़ रहे हैं हॉस्टल में या बाहर में काम कर रहे हैं और हम अपने माता को पत्र लिखना चाहते हैं, तो उस पत्र को हम लोग किस में शामिल करेंगे, औपचारिक, सरकारी, अनौपचारिक या अर्ध सरकारी? तो बताएंगे सर अनौपचारिक पत्र बताएं सर, अभी आपने जस्ट बताया अनौपचारिक पत्र। शिकायती पत्र, पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है, शिकायती पत्र, शिकायती मतलब मान देते हैं कि कहीं आपके
आपको शिकायत के बारे में आपको बताना है। शिकायत का मतलब होता है कि जैसे आपके घर के आसपास में रोज चोरी हो रहा है, रोज चोरी हो रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ पे, थाना पे जाएंगे, परवारी के पास, और बताएंगे हमारे इलाके पे काफ़ी दिनों से चोरी हो रही है प्रतिदिन। तो एक शिकायती पत्र है, ठीक है। तो शिकायती पत्र के लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक पत्र। क्यों बता रहा हूँ, क्यों औपचारिक पत्र है, मैंने अभी जस्ट बताया, ऑफिस में लिखी गई सारा का सारा पत्र फॉर्मल लेटर होती है, औपचारिक पत्र होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, अपने से छोटे को पत्र लिखने की क्या संबंधित होती है, ये लिख ले, लिख ले रहे मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे लाडला, लिख रहे, ये क्वेश्चन आएगा, अपने से छोटे को पत्र लिखने को क्या संबंधित करते हैं। जो हम लोग इस तरह से एग्जाम में जब हम लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो इस तरह से लिखते थे, आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय बहन लिखते थे ना, इस तरह से अपने से छोटे को हम लोग लिखना चाहिए चिरंजीवी। क्या लिखना चाहिए मेरे प्यारे, चिरंजीवी, और छपेगा रे मेरे प्यारे। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारी को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समझिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो है आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, तो बताएंगे सर तार का बंद हो गया है। किसका सर, तो तार का बंद हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो ये तो है सरकारी पत्र, अनुस्मारक ये भी पत्र है, कार्यालय आदेश ये भी है, लेकिन आवेदन पत्र जो है क्या है, एक कार्यालय पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो बोलेंगे संबंधों और स्वनिर्देशों के आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिला, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं और आपका उत्तर सही से नहीं मिला, सही से मतलब होता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत जाने के बाद आपका उत्तर नहीं आया, तो संबंध अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किए जाते हैं, समझिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं डीसी ऑफिस में कोई पत्र लिखाऊँ और डीसी ऑफिस को पत्र लिखें, और डीसी ऑफिस 10 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीना बीत चुका है लेकिन मुझे पत्र का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, याद दिलाते हैं, फिर से हम एक लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि सर मैं आज से ठीक 3 महीना पहले आप लोगों को एक पत्र लिखा था जिसका रिप्लाई मेरे पास नहीं आया है, तो आपसे पूछा गया है कि दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे सर ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मतलब अपना माइंड को फिर से कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया है ना, इसको माइंड तो कहीं माइंड सिटक तो नहीं गया है ना, बोलेंगे सर ध्यान आकर्षण के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरकारी पत्र में प्रेषिति का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है, बोलेंगे सर विषय लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, विषय नहीं लिखते हम लोग, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, उसके बाद स्कूल का नाम दागानी, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे विषय लिखते हैं या नहीं, विषय। विषय क्या है सर, 2 दिन में छुट्टी लेना चाहता हूँ या कुछ बीमार हो जाने के कारण मैं नहीं आ पाया हूँ, तो जो विषय होती है ना उसी के बारे में पूछा कि सरकारी पत्र में प्रेषिति का पद व पता, याद रखिए प्रेषिति का पद व पता, समझ में आ रहा है, प्रेषिति का पद इसको मतलब पत्र पद बोलते, कौन सा, सेवा में श्रीमान अध्यापक जो बोलते हैं ना, उसके बाद लिखते हैं हम लोग पता, उसके बाद जो लिखते हैं हम लोग विषय के बारे में, ठीक है। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाता है, सचिवालय के सभी पत्र क्या लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष द्वारा, याद रखिएगा उत्तम पुरुष द्वारा लिखे जाते हैं। मेरे प्यारे में आप जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है, और फाइनल एग्जाम में ना आप लोगों के पास ऐसा ही क्वेश्चन टपकेगी, और आप लोग जाइए प्ले स्टोर में जल्दी से और सर्च कीजिए, क्या करना है आप लोगों को, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से सर्च करना है, ठीक है, और सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर देखिएगा, एक बार इस कोर्स का जरूर देखिएगा। अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं ना कि सर मैं कोर्स खरीदने से पहले डेमो देखना चाहता हूँ किस प्रकार यहाँ पे क्लासेस होती है, आप कंटेंट में क्लिक करेंगे तो डेमो मिल जाएगा, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए। इसका फी ओनली फॉर अभी, याद रखिए मेरे प्यारे, इसका जो फी है 749 रुपीज फी है, जो अभी डिस्काउंट है, जो अभी डिस्काउंट है ओनली फॉर आप लोगों को 249 रुपीज में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड क्या जा रहा है, ठीक है, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा एक सेट में आप लोगों को, यानी एक सब्जेक्ट में, याद रखिएगा एक सब्जेक्ट में आप लोगों को, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी, कितना सेट सर, 5 सेट मिलेगी, और एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगा। ये कब होगा पता है, ये आप लोगों का ऑलरेडी जब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को मिलेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, और सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना तो सारा का सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बस इसी का खेला है,
बाकी सब हाथ का मेला है, याद रखिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को प्रोवाइड करते रहे, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से क्या करें, आप लोग सेकंड सेट के लिए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।